नमस्कार दोस्तों, रमन एस्ट्रोलॉजर। जैसे कि हमारे एपिसोड चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और आज का जो हमारा एपिसोड है ये है तंत्र साधना वह गुरु। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है अगर आप कोई भी किसी भी फील्ड में हैं। बात हो रही है तंत्र साधना की, तो उसमें भी अगर शास्त्रों में बताया गया है कि पांच प्रकार के गुरु हैं, टाइप्स, फाइव टाइप्स ऑफ गुरु। पहला गुरु कौन है? अक्षर है, जो आपको ज्ञान कराता है, वो भी आपका गुरु है। बोलना, किसी चीज को समझना, अक्षर, ये पहला गुरु है। दूसरा गुरु आपकी विद्या है, टीचर, जो आपको विद्या करवाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जिनसे आप पढ़ते हैं वही आपके दूसरे गुरु हैं। अब शास्त्रों में बताया गया है तीसरा गुरु हमारा व्यवसाय सिखाने वाला, जो हमें किसी प्रकार का कोई भी तजुर्बा, काम, व्यवसाय की सिखाता है। वो अपने जो गुर हैं, जो उसके पास अपनी बारीकियां हैं, वो हमें सिखाता है। चौथा गुरु है हमारे संस्कार। संस्कार हमें कौन देता है? संस्कार हमें ब्राह्मण देता है, पुरोहित देते हैं। इन्हें अपनी भाषा में कुल गुरु भी बोला गया है। कुल गुरु का मतलब समझिएगा कि जो ब्राह्मण 16 प्रकार के हमें संस्कार देते हैं, जीवन से मृत्यु तक जितने भी संस्कार हैं शास्त्रों के माध्यम से, ये एक संस्कार वेदों द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो ये संस्कार देने वाले भी हमारे गुरु ही हैं। पांचवा गुरु है अध्यात्म गुरु, तंत्र साधना गुरु। अध्यात्म को समझिएगा आप, अध्यात्म का मतलब है अगर आप तंत्र मंत्र यंत्र साधना कर रहे हैं तो ये गुरु अध्यात्म गुरु है। मैंने बताया है पांच गुरु आपके हैं, इन चीज को आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अब बात हो रही है कलयुग चल रहा है, तो डेफिनेटली कलयुग के अंदर लोग क्या करते हैं, पहले तो आप समझिए गुरु है क्या, गुरु का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ये नहीं है कि गुरु अपने आप में बहुत कंप्लीट है, उसकी भी सोशल लाइफ है, उसकी भी फैमिली लाइफ है, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही हो। जैसे मैंने बताया है अक्षर, विद्या, व्यवसाय, संस्कार और अध्यात्म। अगर एक बंदा 100% कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, तो वो गुरु तो रहा ही नहीं, वो भगवान बन गया, ईश्वर, गॉड बन गया। तो बात क्या हो रही है, कहीं ना कहीं कलयुग है, तो कलयुग का प्रभाव आएगा। दोस्तों आज के युग के अंदर, कलयुग के अंदर गुरु को गालियां लोग निकालते हैं। पहले तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि ये वो लोग हैं जो सीखते भी हैं और बाद में गुरु को क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, हमारी विद्या, हमारी सारी की सारी जितनी नॉलेज है वो कहीं ना कहीं क्यों कम है कि हम गुरु को मानते ही नहीं है? जब मानते हैं तो फॉर द टाइमिंग मानते हैं। तो कलयुग के अंदर जैसे मैंने बताया है, आप ये देखिएगा कि दूर क्या जाना है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। जैसे मैंने बताया है कि आप स्टडी कर रहे हैं या किसी चीज, आप स्कूल में हैं, स्कूल की बात पर ही चलते हैं ताकि इधर उधर ना भागे, आपको पता लग जाएगा। मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं कि हमारा तो दिल नहीं कर रहा स्कूल जाने को, हम चाहते हैं बारिश आए, छत गिर जाए, हमारा गुरु भगवान को प्यारा हो जाए, जो उसे चोट लग जाए। तो अब ये समझिएगा इस चीज को आप, इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं। वो तो अपने लेवल पे एक बात कर रहे हैं बच्चे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, गुरु पानी में बह जाए, गुरु को ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब गुरु ना हो गया कोई, मतलब पूरी तरह उसके ऊपर भड़ास निकालनी है। इवन देन मैं आपको यहां पे बता दूं, गुरु का मतलब वो है जो आपको भवसागर से पार लगा दे। अगर किसी साधना को करना चाहते हैं तो तंत्र साधना सबसे ज्यादा, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, एक एक पल के ऊपर खतरा है। एक एक पग गुरु के बगैर आप चल नहीं पाएंगे तंत्र साधना के अंदर।
अगर आप कहीं पे गलती खा ली तो आप समझिएगा कि आपकी जितनी साधना है वो सारी खत्म हो जाएगी। जो आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो जिसे साध लेना चाहते हैं, वो खत्म। गुरुदक्षिणा, लोग गुरुदक्षिणा देने को तैयार ही नहीं है। एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया था, तो आप ये समझिएगा कि हमारी युगों के अनुसार हमारे अंदर वो धारणाएं, वो चीजें पैदा हो चुकी हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, कुछ चीजें हैं। मैंने आपको 5 प्रकार के गुरु बता दिए हैं। किसी भी व्यवसाय में, किसी भी तंत्र में, मंत्र में, या किसी तरह का कोई भी नॉलेज में 5 गुरु आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ऐसी ही ढेरों जानकारियां लेकर आपके पास आते रहेंगे, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं कि अगर आप मेरे से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप चंडीगढ़ आकर पर्सनली ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, दूर बैठे हैं, आना बहुत मुश्किल है, टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लेकर टेलीफोन पर भी आप अपनी प्रॉब्लम का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। Have a nice day.